मैं गलत बात में आपका साथ नहीं दे सकता। तो फिर कोयटा चलने की जिद क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि उस फजूल लड़की से आपको निजात मिल सके। होश में आकर बात करो। अल्लाह की अमान और आपके सर की सलामती। जो कुछ सुना था उससे बढ़कर पाया। अदीस चालाक आदमी है, जानता है उसे उसे हमारी रगों में दौड़ते गैरतमंद खून की तपिश का एहसास है। क्या होगा लाला, वो कौन सी बात है जो मैंने कही और आपने मानी? बात इलाके के सारे इख्तियारात तो आपके पास हैं। देखो, इंसान जिस रास्ते पर चल रहा हो ना, उसको चाहिए कि उसके आखिरी सिरे तक नजर रखे, और जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं उस पर तौकीर नाम का कोई पत्थर नहीं आता। तुम मतलब किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जॉब कर रहे हो? जी। और ये वायलिन तुम्हारा शौक है बल्कि एक जुनून है? कह सकते हैं। आखिरी दिनों में आशा और फजलजा के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो गए थे, और सर आशा ने फजलजा के ऑर्डर्स ओबे करने से इनकार कर दिया था। आप खुद सोचे सर, ऐसी सूरत में फजलजा उसे अनपनिश्ड कैसे छोड़ सकता था? माँ, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आप नहीं जानती, वो खुद ही मुझे रिजेक्ट कर चुकी है, और आपका ये शानदार बेटा उसके लिए काबिल कबूल ही नहीं है, ना हैरत की बात। पर तुम हमारा बच्चा है, इधर हम सबका सुनता है। हमारा बात का मतलब ये है कि हम लोग का ये सादार ये ऊंट उन लोगों का लारियों का पीछा नहीं कर सकता। बस ठीक है बेबी, अगर आपको चक्की के लिए कोई आदमी चाहिए तो मैं ये काम करूंगा, लेकिन एक बात याद रखे, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, शाम को 7 बजे सोता हूँ। अक्सर रश्क आता है उन लोगों पर जो मर जाते हैं मगर उनके इरादे जिंदा रह जाते हैं। बाईपास पर कुछ मोड़ ऐसे हैं जहां पर दुश्मन का फायर अब भी इफेक्टिव है। सर, मैं इस एरिया से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। आयोग सर, अगर तुम्हारी छुट्टी सर, एक्सप्लोसिव पहुंचाना छुट्टी से ज्यादा अहम। 25 साल पहले वलायत चला गया था, वहीं पढ़ा लिखा और बिजनेस शुरू की मैंने, और अब माशाल्लाह लाखों का कारोबार है मेरा, और वो भी पाउंड्स में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे सोचता हूँ सब कुछ वैसा ही है, वही बात है, वही आदतें हैं। सल्लू से कहो कि इसे नजरों से ओझल ना होने दे। खैरियत है सर? इसने 2 दिन की मोहलत मांगी। चांद निकले किसी जान यार, ये बात मैंने तुमसे पहले भी कहा था और आज फिर दोहराता हूं कि जिस औरत की जबान खराब हो जाए ना, उसके आगे इज्जत के मारे मर्द बेबस है।